अजमेर की पुष्कर घाटी पर मवेशियों से भरी एक पिकअप पलटने से गंभीर हादसा हुआ है। इस दौरान दर्जनों मवेशी दुर्घटना के चलते मौत के शिकार हुए, तो वहीं इस मामले में दो पिकअप सवार युवक भी घायल हो गए, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना पर क्रिश्चनगंज थाना पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और हालातों का जायजा लेते हुए मवेशियों को बाहर निकालने के साथ ही घायलों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार तीन व्यक्ति 40 भेड़ भरकर बासनी नागौर से अजमेर बकरा मंडी के लिए रवाना हुए। इसी दौरान अचानक पुष्कर घाटी स्थित हनुमान मंदिर के पास गाड़ी अनियंत्रित हुई और घाटी से नीचे उतर गए और इस दौरान पिकअप गाड़ी लगातार पलटते हुए झाड़ी में फंस गई, लेकिन इस घटना से दर्जनों मवेशी मौत का शिकार हो गए। गनीमत रही कि इस दौरान पिकअप में बैठे पशुपालकों को ज्यादा चोट नहीं लगी। फिलहाल इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है, यह हादसा कैसे और क्यों हुआ और वही घायलों का इलाज जेएलएन अस्पताल में किया जा रहा है। पशुपालक इंसाफ ने बताया कि इस गाड़ी के एक्सीडेंट से 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। नागौर से आ रहे थे और ये अजमेर मंडी जा रहे थे। अच्छा, ब्रेक फेल हो गया घाटे का। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप। अच्छा, कौन सी जगह पर एक्सीडेंट हुआ? कौन सी जगह पर हादसा हुआ? यहाँ पे ही हुआ, वो वहाँ से ब्रेक फेल है। किसी के कोई लगी? थोड़ी बहुत लगी है। कहाँ हॉस्पिटल लेके? हाँ, हॉस्पिटल लेके। क्या भरा हुआ था पिकअप में? बकरे बकरे बकरे। तो बकरों को कुछ हुआ? बकरे 30-35 नग मरे हुए हैं। 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, तो फिर कोई पुलिस प्रशासन या कुछ आया? पुलिस वाले आके गए ना। लेके गए किसी को? हाँ, वो तो लेके गए। और आप कहाँ से आ रहे थे? नागौर से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अजमेर मंडी। अच्छा, कितने थे जानवर? कितने थे जानवर? 55 भरे हुए थे। लगभग क्या कीमत होगी इनकी? ये होगी कीमत, इसलिए 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, 1.5-2 लाख रुपए का। कहाँ के हो आप? नागौर बासनी। नाम बताओ आपका। इंसाफ नाम है।